जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि यार लेट्स से कि मैं आज सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू करने वाला हूं, तो मुझे बस ये बता दो कि क्या क्या करना है। क्या एक ऐसा प्रोसेस है कि भाई मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको वो एक प्रोसेस देने वाला हूँ, मैं आपको एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताने वाला हूँ कि भाई ये चीज़ें आप कर लो, आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। एंड स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं। देखो, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो ऑलरेडी आपके पास सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है कि हाँ भाई क्लासेस चल रही है, उसको रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, टेस्ट देना है, रिविजन्स होगा, सब कुछ होगा। प्रॉब्लम आज की डेट में वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं जो यूट्यूब से खुद से पढ़ते हैं। गाइडेंस की कमी है, यस, पता नहीं चलता कि कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब आज की डेट में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। सीए फाउंडेशन को, सच बताऊँ, सीए फाउंडेशन को क्लियर करना बहुत आसान है, बट कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। क्योंकि यार सीए फाउंडेशन में अगर मान लो आज एज अ स्टूडेंट, मैं अगर एज अ स्टूडेंट अपने आप को देखता हूँ और मेरे पास मान लो अभी 4 से 5 महीने का टाइम है। देखो, अगर आपके एग्जाम 1 महीने के बाद है ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम 4-5 महीने के बाद है, आज आप शुरू कर रहे हो, ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते हो, राइट? मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बता दूंगा कि भाई ये आपको करना है, इतना आपने कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है, ये जो हम पूरा का पूरा एक प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, वो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है? पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये वीडियो का आइडिया मुझे कैसे आया है। कि मुझे किसी स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि इतनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज यूट्यूब पे फ्लडेड हो गई है कि डेली 2-3 दिन में कोई ना कोई आ जाती है वीडियो की ये स्ट्रैटेजी है, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी आती है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज की क्लास ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, प्रॉपर एक डिटेल्ड प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो उस स्टूडेंट ने मुझे ये बोला कि सर डेली किसी न किसी टीचर की वीडियो आती है, हम यूट्यूब की फीड ओपन करते हैं, कोई ना कोई टीचर की लाइव क्लास चल रही होती है, कोई रिविजन सीरीज चल रही होती है, हमको नहीं समझ में आता कि कौन सी क्लास देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। एंड एक्चुअली मुझे उस मैसेज को रीड करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार ये सही बात है कि अगर YouTube से आज प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता। आप खुद पूछो अपने आप से, एक ऑनेस्ट आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, क्या ये आपके साथ हो रहा है कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने अकाउंट का कोई चैप्टर किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चैप्टर किसी और टीचर से भी किया क्योंकि वो लाइव क्लास ले रहे थे या आपके यूट्यूब के फीड में आ गए। एक स्ट्रैटेजी आपने देखी है लेकिन 2-4 दिन बाद किसी और की भी देखी है, आपकी गलती नहीं है, डिस्ट्रैक्शन तो है ही ना यूट्यूब पे, राइट? अगर आप मान लो यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस देखते हो तो आपकी फीड में, यूट्यूब की फीड में सिर्फ क्लासेस आएंगी, सारे टीचर्स की क्लासेस आएंगी, तो अब समझ में नहीं आता कि किसको देखना है, क्या करना है, कौन सी क्लासेस, कौन सी रिवीजन, करे तो करे क्या। अगर ये कन्फ्यूजन है तो बस इसी का सॉल्यूशन आज की वीडियो में है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बस ये बता दूंगा कि भाई ये आपके 5-स्टेप प्रोसेस है, आपको बस ये करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि यार YouTube पे भी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई हो सकती है, कोर्स में तो होती है मान लो, लेकिन आपने कोर्स परचेस नहीं कर रखा है, आप YouTube से पढ़ो, तो YouTube को किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करें उसकी बात करेंगे। ये सुनो, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी अकाउंट्स के आप पेपर उठा के देख लो, जितने भी उठा के देख लो, अभी वो आपका June 24 का पेपर, December 20, जितने के उठा के देख लो, मजे की बात ये होती है कि उसमें से मेजॉरिटी पेपर, नॉट इवन मेजॉरिटी, आई वुड से 80-85% पेपर में जो क्वेश्चन है, 80-85% जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट आपके ICI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, जो ICI स्टडी मैट आपको मिला है, जिसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर में आपके 12-15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, हाँ जी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो मतलब सर सबसे पहला काम जो मेरा स्टेप नंबर 1 है, पूरा डिस्कस करने वाला हूं, जो मेरा स्टेप नंबर 1 है वो क्या है कि जो आपकी ICI की स्टडी मटेरियल है ना, उसको प्रॉपरली कवर करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICI स्टडी मटेरियल, दिस इज नॉट जस्ट फॉर अकाउंट, सबके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, लॉ के लिए, जो स्टडी मॉड्यूल है सबसे पहले उसको फॉलो करो। आज की डेट में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि स्टडी मॉड्यूल को छोड़ के जितनी दुनिया भर की रेफरेंस बुक्स हैं, ये बुक्स, वो बुक्स, ये फलाना ढिंगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है कि जिसमें आपको स्टडी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आज से अभी आपके एग्जाम्स में 4 से 5 महीने का टाइम है तो ये सब चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देना है।
आपके लिए आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और ऐसा हुआ भी है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अभी जून 24 का पेपर हुआ, उसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में सबने एक्सपेक्ट किया था इंक्लूडिंग मी कि भाई डिसोल्यूशन में जो आपका इनसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है राइट, जो नए नए टॉपिक्स हैं वो आएंगे। क्वेश्चन किसका आया? बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट का। बच्चों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस किसकी करी थी? जो आपके इनसॉल्वेंसी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन उसकी। तो मतलब आप आईसीआई को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात अभी कहां से आ गई? अगर आज से एग्जाम में 4-5 महीने का टाइम है तो आपका फोकस क्या है? 100% आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर करेंगे कहां से? तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको यूट्यूब पे जिस भी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप इसको अप्लाई करने वाले हो, सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी ऐसी प्लेलिस्ट है जहां पे ऑलमोस्ट पूरा स्टडी मॉड्यूल कवर है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो मैं आपको अकाउंट्स का बता सकता हूं कि भाई ये मेरा चैनल है ना सर, दिस इज माय चैनल, और यहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यस। ये आपको सीए फाउंडेशन दिख रहा है? हाँ जी, सीए फाउंडेशन दिख रहा है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स 100% सिलेबस, पहली प्लेलिस्ट। पहली प्लेलिस्ट में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, हाँ जी, सबके सब कवर्ड है, इंक्लूडिंग न्यू चैप्टर्स। ठीक है, न्यू चैप्टर जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर, डिसोल्यूशन कवर्ड है, करेक्ट है। आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हाँ जी, आपका ये बोनस राइट इशू, रिडेम्पशन डिबेंचर, रिडेम्पशन प्रेफरेंस, सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही फॉलो करनी है, बट द पॉइंट हियर इज कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है, जहां से आपको समझ में आता है, उन टीचर की प्लेलिस्ट को फाइंड आउट करो। अगर अवेलेबल है बस उस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। मतलब अब से लेके जब तक आपका स्टडी मॉड्यूल कवर नहीं होता है, आप कसम खा लो कि भाई मैं और कोई वीडियो उस सब्जेक्ट की देखूंगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये करना है। ईजी है लेकिन सर होता नहीं है, हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, ये प्लानिंग आना, आपको पता ही नहीं चलता आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। सीए फाउंडेशन का सिलेबस बढ़ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम हो गई है। तो आप रियलाइज नहीं करते हो लेकिन आप यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट करते हो। यही फायदा एक कोर्स में होता है कि कोर्स में ये सब चीजें नहीं होती है, आप बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब से ढंग से पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन चाहिए। तो आपने एक प्लेलिस्ट को चूज करना है जहां से आपको समझ में आता है, मुझसे पढ़ना है, मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है राइट, अकाउंट्स का 100% सिलेबस ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां वो आप फॉलो करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले क्या करना है? सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल, यस सर, यस। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है स्टेप नंबर टू, प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? अब सुन लो ध्यान से, करने का तरीका बहुत सिंपल है। लेट्स से कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मेरी वीडियो से देखा। देखना किस तरीके से है? अगर मैं नोट्स बनवा रहा हूं तो नोट्स आप साथ में बना रहे हैं, जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, करेक्ट। अब वो चैप्टर मान लेते हैं आपने 4-5 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा होगा, ये सस्पेंस डेबिट होगा, ये हाँ कर लिया, परफेक्ट। लेकिन आपको वो चैप्टर खत्म करने के बाद मेक श्योर कि चैप्टर खत्म होने के बाद जो आपका नेक्स्ट वीकेंड आएगा, सैटरडे और संडे, एक दिन आप क्या करेंगे, उस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस खुद से करेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या लॉजिक क्या है इसका? पहले आपने क्या करा है, आपने लेक्चर्स देखे। जब लेक्चर्स देख रहे हैं ना तो अपना दिमाग थोड़ा कम यूज होता है, ये फैक्ट है। आप बातें सुनते हैं, लिखते हैं, हाँ ये समझ में आ गया। लेकिन जब आप अपने साथ बैठोगे, आपने बुक ओपन किया या जो भी नोट्स आपने बनाए वो ओपन किया, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में कवर हो गए, हाँ जी ठीक है, अब वो इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस आप खुद करोगे, जब खुद करोगे ना तो समझ में आएगा कि समझ में आया था या नहीं आया था। तब आपको डाउट्स आएंगे कि अच्छा ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, आप बात समझ रहे हो। तो करना क्या है, सबसे पहले एक चैप्टर की प्रॉपर वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, राइट, कॉन्सेप्ट समझ लिए, परफेक्ट। देन उसके वीकेंड, जो जिस वीक में आपने चैप्टर खत्म किया है वो वाला वीकेंड या उसका नेक्स्ट वीकेंड, ज्यादा टाइम नहीं, उसी वीक में कर लो, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट वीकेंड तक कर लो, करेक्ट। क्या करना है, एक दिन निकाल लिया और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खुद से करें। पहली मतलब एक बार ऐसा होना चाहिए कि आपने उस चैप्टर के आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस खुद से करे हैं, अब बात समझे, हाँ जी बिल्कुल सही। एक तो लेक्चर के साथ करें, एक खुद से करें। जब आप खुद से करेंगे तब क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। आपने कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट्स के नोट्स आपने पढ़े, कुछ क्वेश्चंस करें, बहुत आसान हो गए। अब वो क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, उसको रीड किया, आगे बढ़ गए।
लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डाउट्स आए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हुई, हो सकता है कि आपको क्लास दोबारा देखनी पड़ी, उन क्वेश्चंस को मेक श्योर कि आप क्या करोगे, मार्क करोगे कि भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, इस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आई। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट है, 10 में से 8 हो गई, 2 में दिक्कत है, उन 2 को मार्क करेंगे। सिर्फ उन 2 को ही बार बार देखना है, बाकी 8 को सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे। आप बात समझ रहे हो? ये सुनो, तो क्या किया, पहले एक पूरा का पूरा चैप्टर किया, किससे सर, आपने लेक्चर से किया, परफेक्ट राइट। उसके बाद आई वुड से विद इन 10 डेज, अब 10 डेज का विंडो बनाओ, विद इन 10 डेज उस चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस किए, परफेक्ट। ये सुनो, जब खुद से प्रैक्टिस किए तो कुछ क्वेश्चंस आसानी से हो गए, टिक कर दिए कि अगली बार मैं इसको लिख के नहीं करूंगा, रीड कर लूंगा, देख लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है उन क्वेश्चंस को मार्क किया, परफेक्ट। ये मेरे 2 स्टेप हो गए। हाँ या ना, ऐसे आपको सारे चैप्टर्स के साथ करना, करेक्ट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले लेक्चर देखा, बिल्कुल लेक्चर देखा, विद इन 10 डेज उसके स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे। हाँ, जब आपने वो विद इन 10 डेज स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे तो एक चीज आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि उसी टाइम आप आरटीपी जो चैप्टर वाइज, मतलब जब आप आरटीपी देखते हो तो आरटीपी में चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन होती है कि ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का उसका है। हाँ, आरटीपी का क्वेश्चन देखना, लेकिन अब मैं आपको एक कैच बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आप ये बात नोटिस करेंगे कि आरटीपी जो आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट की, अब बच्चे पूछे कितने अटेम्प्ट की, आई वुड से 4 या 5 अटेम्प्ट की कम से कम कर लो, ठीक है, 10-12 अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, 5-6 अटेम्प्ट बहुत है। आपने देखोगे कि जो 5-6 अटेम्प्ट की आरटीपी आप उठा के देखोगे, उसमें मजे की बात यह है कि मेजोरिटी क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल जैसे ही होंगे, जैसे स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन थे वैसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होंगे, फिगर्स चेंज हो सकती है। एक आधे आरटीपी में ऐसा होगा कि जो थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आपने देखो जहां पे आपको दिखा कि सिमिलर है, देखा करके छोड़ दिया, हाँ जी छोड़ दिया, प्रैक्टिस करी करी, नहीं तो रीड किया छोड़ दिया, परफेक्ट। लेकिन जो क्वेश्चन आपको अलग दिखा, जो एडजस्टमेंट आपको अलग दिखी, उसको आपने मार्क कर लिया कि भाई जब मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं सिर्फ इस एडजस्टमेंट को रिवाइज करूंगा या सिर्फ इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा। हाँ या ना, यहां पे मेरी पहली साइकिल खत्म होती है, मतलब अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहां पे हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए, इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है फॉर एवरी चैप्टर। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कर लिया बात खत्म, 70-80+ लाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा, जब प्रॉपरली लेक्चर्स को देखा तो नोट्स बनाने, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन साथ साथ कर लिए, साथ साथ कर लिए, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 10 डेज आई वुड से जो आपका वीकेंड आएगा, उस वीकेंड पे एक दिन निकाल के आपने उस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कर ली, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सारे के सारे, ज्यादा होते ही नहीं हमारे मॉड्यूल में, पहली बात तो ये, मैक्सिमम आई गेस 15 होंगे, 8-10-12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपने कर लिए कर लिए। जो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो रहे हैं, ठीक है, उनको टिक किया कि अगली बार मैं इनको कैलकुलेटर पे कर लूंगा या देख के छोड़ दूंगा, परफेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि भाई ईजिली हो गए, अच्छा, जो एडजस्टमेंट्स आपको लगा या जो क्वेश्चन आपको लगा कि इसमें थोड़ी दिक्कत दिया, थोड़ा आपको दिक्कत दिया, थोड़ा डाउट आया, उसको मार्क कर लिया, बिल्कुल सही, मार्क कर लिया, हाँ जी। उसके चैप्टर खत्म होने के बाद, स्टडी मॉड्यूल का चैप्टर खत्म होने के बाद आरटीपी देख ली, 5-6 अटेम्प्ट की आरटीपी देने के बाद आपका वो चैप्टर फिनिश, वो चैप्टर आपका एंड हो गया, हाँ जी वहां पे एंड हो गया। ऐसा आपको करना है सारे चैप्टर्स के साथ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये आपको पूरा सिलेबस कवर करना, सिलेबस कवर कर लेंगे। मैंने क्या बोला, ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका एटलीस्ट अभी 4-5 महीने बचा हुआ है, 3-4-5 महीने बचा हुआ है, कि जो सिलेबस प्रॉपरली कवर करना चाहते हैं, 1 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है, उनके लिए एप्लीकेबल अभी नहीं है ये, ठीक है, एवरीबडी क्लियर, येस। अब बात आती है सर, क्या इसके बाद, क्या सिलेबस कवर कर लिया, हाँ जी, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले खत्म करें, है ना। मैंने यहाँ पे लिया 30-45 डेज बिफोर एग्जाम्स, तो एक बार मैं क्या कर चुका हूं, एक बार तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लेक्चर के साथ किए, एक बार मैंने खुद से कर लिए, परफेक्ट है, हाँ जी। अब तीसरी बार हो रहा है, तीसरी बार आपको क्या करना है, अब करना ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, हाँ जी, और जो आपने मार्क किए थे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन आपको देख के छोड़ने हैं। क्या फटाफट होगा, बिल्कुल फटाफट होगा। क्या करना है कि कॉन्सेप्ट्स आपने बना रखे, नोट्स आपके पास है, आपने नोट्स देखे, आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं, परफेक्ट है, कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, क्वेश्चन देखे, जो क्वेश्चन आपने टिक कर रखे हैं उसको फटाफट से देखा, नजर मारी, रीड किया, आगे बढ़ गए, जो एडजस्टमेंट्स मार्क कर रखी है उसको करके देख लिया, जो क्वेश्चन है उसको करके देख लिया, क्या आप फटाफट होगा, फटाफट होगा। या फिर आपको लगता है कि यार खुद से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, तब आती है बेटा आपकी रिविजन सीरीज। आपको पता ही नहीं होता कि रिविजन सीरीज कब देखनी है, कब नहीं देखनी है, सिर्फ तब देखनी है जब आपको कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है। बेसिकली 2 टाइप के बच्चों को ये रिवीजन सीरीज देखनी चाहिए,
मेरी भी एक रिवीजन सीरीज आती है, बहुत सारे टीचर्स की आती है, कब? एक तो एग्जाम से महीना डेढ़ महीना पहले, राइट? होगा क्या, जिन बच्चों ने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं करी है पास होने के लिए, वो ये रिवीजन सीरीज देखते हैं. दूसरा, जिन्होंने प्रॉपर सिलेबस कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, वो इन वीडियोस को देखते हैं. आप बात समझ रहे हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है. आपको लगता है कि आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कोई भी लेक्चर्स देखने की, कोई रिवीजन सीरीज देखने की. क्योंकि मजे की बात यह है कि इन रिवीजन सीरीज में कोई नए क्वेश्चंस नहीं होते हैं. आप जाके चेक कर लो, मेरे या किसी और के कोई नए क्वेश्चन नहीं है. स्टडी मॉडल के कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस, आपके आरटीवी के कुछ क्वेश्चंस, इनसे बाहर हाँ कोई कराता भी नहीं है, ना करने की जरूरत है. आप बात समझ रहे हो? वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो क्या फायदा भाई? फायदा क्या है जब ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आप कर चुके हो, आपको आते हैं, वही वीडियोस देखे जा रहे हैं. भाई टाइम वेस्ट करने वाली बात है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बात समझ रहे हो? तो ये कब देखनी है? जब आपको लग रहा है कि यार कॉन्सेप्ट खुद से रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, तो आप इन रिवीजन सीरीज को देखा, बिल्कुल देखा. और जो ये आपके मार्क्ड क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है. आप बात समझे ये सुने? तो ये दो में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद क्या होगा, जब आप ये कर लेंगे तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर. मतलब आपने रिवाइज किया, हाँ जी रिवाइज किया. जैसे क्या होता है, एक से डेढ़ महीने पहले, हाँ जी, आप सारे सिलेबस की रिवीजन कर रहे हो, हाँ जी. जब आपने पूरा सिलेबस एक बार अकाउंट्स का रिवाइज कर लिया, फिर आप क्या करो, पिछले दो तीन अटेम्प्ट के पेपर एक बार सॉल्व करके देखो, 3 घंटे का पेपर सॉल्व करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो मेजॉरिटी आपके स्टडी मॉड्यूल जैसे ही होंगे. अब बात समझ रहे हो? तो उसका कोई फायदा नहीं है, सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक चीज को समझो कि जो आपके ये आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, वही हमेशा आपको आरटीपी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन्हीं में यही मिलेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन सेम मिलेंगे. तो टाइम वेस्ट नहीं करना बाबा करके, कर लिए. ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, आपकी हैंड राइट, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, स्पीड के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि 3 घंटे 2 से 5 पेपर करके, पेपर करने के लिए बैठे आप, 2-3 पेपर करके देखो, 2-3 पेपर नहीं तो एक तो कम से कम करके देखो, राइट? आपको MTPs देने हैं, MTPs देकर आओ. जो MTP आपके सेंटर्स में होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, वो MTP कर लो. 2 MTP आए, 2 MTP आपने 2 से 5 कर लिए, बात खत्म. तो ये आपने कब किया, एग्जाम से जो आपका 1-1.5 महीने पहले आपको रिवीजन करनी होती है. ये सुनो, तो मैंने आपको पहले दो चीज़ें बताई, सिलेबस आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है, रिविजन्स आपको किस तरीके से करने हैं, और आखिरी आता है सर हमारा क्या, लास्ट आता है आपका एग्जाम से 2-3 दिन पहले. एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो करना बहुत आसान होता है, सिंपली बस आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना होता है. कॉन्सेप्ट्स आपके पास है, हाँ जी. क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, एडजस्टमेंट मार्क कर रखी है उसको रिवाइज करना है, बस इतना करना होता है. जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे, ये कर लिया वो कर लिया, कोई फायदा नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे पेपर में क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल से ही बनेगा, सिंपल सी बात है. तो ये आपका 5-स्टेप प्रोसेस है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने का. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इस चीज की गारंटी एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने इसको प्रॉपरली किया तो हो ही नहीं सकता कि आप अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतना ही करना होता है. प्रॉब्लम यह है कि आपने इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया. मैं इसलिए बोलता हूं कि CA फाउंडेशन आसान है, बेकार में कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है उसको. अब वो क्या रीजन है वो आपको पता, लेकिन बेकार में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. सिंपल है, स्टडी मॉड्यूल पढ़ना है, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से आरटीपी करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, बात खत्म. इससे ज्यादा करना ही नहीं होता. अब प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट किस चीज का, कि भाई मुझे बता दो स्टडी मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चंस. अरे भोलू भाई, कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको पता होना चाहिए. मैं आपको बोल दूं कि भाई ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कैसे बोल दूं मैं आपको? आपको सर वो इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको ना आते हो. कहने का मतलब यह है कि मान लो स्टडी मॉड्यूल में 12 क्वेश्चंस है, हाँ सच बात तो यह कि 12 में से 12 के 12 के आने के चांसेस होते हैं स्टडी आपके पेपर में, 12 में से कोई भी आ सकता है. आप बात समझ रहे हो? ये सुनो, किसी भी क्वेश्चन में एक नई एडजस्टमेंट हो सकती है जो बाकी क्वेश्चंस में कवर नहीं है. तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि भाई इन 12 में से ये 4 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा. अगर मान लो भाई वो 5वें क्वेश्चन की 5th एडजस्टमेंट आ गई जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी, फिर इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि स्टडी मॉड्यूल पहली बार तो पूरा करेंगे और जिन एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम है उसको मार्क करेंगे. इसके बाद क्या होगा, आपने ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए कि मेरे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. किसी और के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट क्या करोगे आप? ये सुनो, मेरा मेन पर्पस है आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल पूरा कवर करना, और उसका तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंग. किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं. मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने पिछले 20 मिनट में बकबक की है क्या उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि हाँ यार मुझे अब यही करना है,
ये 5 स्टेप्स मुझे बताए गए हैं, ये 5 स्टेप मैं फॉलो करूंगा, थोड़ा लॉजिकल लग रहा है ये, सुनो। तो बेसिकली मैं बेसिकली बहुत बोलता हूँ ना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी होगी नेक्स्ट वीडियो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस हो रही है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है कि यार ये जो प्रॉपर फ्लो चार्ट बना है आपको लग रहा होगा क्या ही है, लेकिन किस तरीके से आपको ये 5 स्टेप प्रोसेस मुझे बताना था उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया। तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आपको यूज़फुल लगा या नहीं लगा, एंड इसको फॉलो करो, पक्का मज़ा आएगा, पक्का आराम से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, खुश रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।